दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की बहुत गुणकारी और काफी प्रसिद्ध औषधि अर्जुनारिष्ट के बारे में। आज की वीडियो में आपको अर्जुनारिष्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, यानी डिटेल्स में इसका रिव्यू करेंगे और जानेंगे क्या है इसकी खास बात, क्या है इसके फायदे, किन किन बीमारियों के लिए अर्जुनारिष्ट इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है, कैसे इसे यूज करना है, कौन कौन इसे ले सकता है और कौन नहीं, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं या नहीं, ये और इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो वीडियो को आप अंत तक देखना और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास बैद्यनाथ कंपनी का ये अर्जुनारिष्ट है। आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस 158 रुपीज़ है, यानी 158 रुपये जो आपको 450 ml के प्लास्टिक की बोतल में मिलता है और इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक स्टोर से बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। अगर वहां आपको ये अवेलेबल नहीं होता है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ऑनलाइन खरीदने की लिंक दी हुई है जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अर्जुनारिष्ट से आपको क्या फायदे देखने को मिलेंगे, यानी किन बीमारियों में इसका आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अर्जुनारिष्ट दिल यानी हृदय से संबंधित रोग या विकारों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद औषधि है। आप इसे हार्ट का टॉनिक भी कह सकते हैं और ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि इसके फायदे ही कुछ ऐसे हैं। अर्जुनारिष्ट खून से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है और इसके साथ ही खून को भी पतला करने का काम करता है, जिससे खून का संचार पूरे शरीर में अच्छे से होता है। ये हमारे हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करती है, जिससे हार्ट यानी दिल स्वस्थ रहता है। इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को भी कंट्रोल करती है। जिनके दिल की नसों में ब्लॉकेज है या दौड़ते समय, सीढ़ी चढ़ते समय या फिर साइकिल चलाते वक्त सीने में दर्द की समस्या होती है या फिर किसी को घबराहट होती है, कुछ ऐसी बात पे वे जल्दी घबरा जाते हैं, बेचैनी सी होती है, काम करते वक्त सांस काफी ज्यादा फूलती है, खींच खींच के सांस लेनी पड़ती है, तो इन सब समस्याओं में भी अर्जुनारिष्ट का काफी बढ़िया फायदा देखने को मिलता है, उनको इसका सेवन करना चाहिए। ये दिल के ज्यादा धड़कने की वजह से ज्यादा पसीना आना, मुंह का सूखना, बेचैनी या फिर नींद की कमी, तो इन समस्याओं में भी ये काफी असरदार औषधि मानी जाती है। यानी ओवरऑल अगर बात करूं इस अर्जुनारिष्ट की तो ये आपके दिल से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए एक अमृत की तरह काम करती है। यानी अगर आपको हार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आपको अर्जुनारिष्ट का सेवन करना चाहिए, इससे आपका दिल मजबूत और स्वस्थ रहेगा। तो देखा आपने हृदय रोगों में कितनी ज्यादा लाभदायक है ये अर्जुनारिष्ट। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। दोस्तों, इसे आपको 15 से 30 ml बराबर मात्रा में पानी मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है। यानी अगर आप 30 ml ये अर्जुनारिष्ट को ले रहे हो तो उसमें आपको 30 ml ही पानी मिलाकर लेना है खाना खाने के बाद। खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, इसको मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर बात करें प्रेग्नेंट महिलाओं की तो उनको ये बिना डॉक्टर की सलाह किए बिना नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन लेना सही नहीं होता, इसलिए डॉक्टर की उचित सलाह लें। और अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी डायबिटीज वाले रोगी या जिनकी कोई और अन्य मेडिकेशन चल रही है तो उनको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, बिना डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन ना करें। दोस्तों, कुछ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्जुनारिष्ट को लेने के दौरान आपको मिर्च मसाले, तली भुनी चीज, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बीड़ी, सिगरेट और शराब नहीं पीना है, जैसा कि इसमें लिखा भी गया है, आप ये पढ़ सकते हैं। अपने खाने पीने का विशेष ध्यान दें, डेली एक्सरसाइज करें जिससे आप अर्जुनारिष्ट का भरपूर फायदा उठा पाएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।